उफ, ये गर्मी। गर्मी का मौसम शुरू होते ही शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस जुमले का इस्तेमाल न करता हो। भाई कम से कम मेरी नजर में तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे गर्मी का यह मौसम पसंद हो। और वैसे भी गर्मी के मौसम में पसंद आने लायक होता ही क्या है? घमौरियां, पसीना, तेज धूप और इस सब से होने वाली चिड़चिड़ाहट। पर कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बस तो इस गर्मी के मौसम की सिल्वर लाइनिंग है आम। और आज शामे अवध में जिक्र होगा आम का। शामे अवध विद तुषार। अब आप सोचेंगे कि आम तो देश भर में, दुनिया भर में मिलता है, तो फिर लखनऊ में आम क्यों? जनाब, लखनऊ और आम की कहानी बहुत पुरानी और बहुत खास है। क्योंकि वो आम जो पूरे हिंदुस्तान में शायद सबसे ज्यादा खाया जाता है, वो लखनऊ की ही देन है। लखनऊ शहर से करीब पौने घंटे की दूरी पे अपने कबाब के लिए मशहूर काकोरी में है वो गांव जिसका नाम ही काफी है, दशहरी। और इस दशहरी गांव में मौजूद है वो पेड़ जिसमें पहली बार दशहरी आम लगे। इस वक्त मैं हूँ लखनऊ के करीब दशहरी गांव में, और मेरे पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं, यही वो पेड़ है जिससे दुनिया के हर दशहरी पेड़ और हर दशहरी आम की शुरुआत हुई। कहते हैं कि इस गांव का नाम दशहरी भी शायद इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां पर ये मदर दशहरी ट्री है। 200 साल पुराने इस पेड़ की भी अपनी ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक बार एक शख्स एक गाड़ी में अलग अलग किस्म के आम लाद कर जा रहा था। अब किसी वजह से वो गाड़ी पलटी और उसमें से ढेर सारे आम गिर गए। अब जल्दबाजी में वो शख्स सारे आम तो उठा नहीं पाया और करीब 10 आम यहीं अलग अलग किस्म के पड़े रह गए। और इन्हीं 10 आमों के मिश्रण से निकला एक नई किस्म का आम, दशहरी आम। जी हाँ, यही वो पेड़ है जिसकी कलमों से दुनिया का हर एक दशहरी आम, हर एक दशहरी पेड़ निकला। आज भी हर साल अच्छी फसल के लिए इस मदर दशहरी पेड़ को पूजा जाता है। अब बात लखनऊ की हो और नवाबी कनेक्शन ना हो, भाई ये तो ज्यादती होगी। तो जनाब, कहते हैं कि इस पेड़ पे लगने वाले दशहरी आम आम इंसान को उस जमाने में नसीब नहीं हुआ करते थे। नवाब आसिफुद्दौला को सीजन के सबसे पहले दशहरी आम भेजे जाते थे और उन्हें ये इतने पसंद आए कि उन्होंने एक वक्त पे इस पे एक तरह से कॉपीराइट करवा लिया ताकि ये खास आम सिर्फ खास रॉयल फैमिली के लोग ही खाएं। किसी आम इंसान को ये आम दे के वो इस आम को आम नहीं बनाना चाहते थे। चलिए वर्ड प्ले से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक और कमाल की जगह, क्योंकि आम और लखनऊ के मरासिम यहीं खत्म नहीं होते बल्कि ये तो महज इस रिश्ते की शुरुआत भर है। लखनऊ जिले की सरहदों में मौजूद है एक और ऐसी जगह जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर को दे रही है आम के मजे, मलिहाबाद। यहां जिधर नजर घुमाइए आम, आम और सिर्फ आम। और इसी मलिहाबाद में मौजूद है एक और करिश्माई पेड़ जिसमें एक दो नहीं पूरे 300 किस्म के आम होते हैं। और इस करिश्मे को अंजाम देने वाले हाजी कलीमुल्ला साहब को देश ने नवाजा है पद्मश्री के सम्मान से। पेड़ में 300 ज्यादा अलग अलग किस्म के आम है। ये एक पेड़ भी है और एक बाग भी है और दुनिया का आमों का कॉलेज है। ये दूर से देखिए तो एक पेड़ है, करीब आके देखिए इसमें आप 150 किस्म के आम लगे होंगे। अगर तो आप सोचेंगे ये कैसा पेड़ है, तो आप सोचेंगे नहीं ये बाग भी है। और अगर दिमाग की आंखों से आप सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे ये आमों का दुनिया का कॉलेज है। और ये सच है, ये फल एक ऐसा फल है इंसानों की सिफत रखता है 100%। बहुत से बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे ताकतवर होते हैं, बिल्कुल वही शक्ल है इसकी। जिस तरह महाराष्ट्र का अल्फांजो या हापूस आम वहाँ की पहचान है, उसी तरह ये मलिहाबादी आम लखनऊ के परचम को ऊंचा थामे हुए है। जहाँ एक तरफ दुनिया भर में मशहूर अल्फांजो आम अपने महंगे दामों की वजह से आम तौर पे आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहता है, वहीं एक आम आदमी की आम की तलब को मिटाने का काम करता है मलिहाबाद का दशहरी आम। और सिर्फ दशहरी ही क्यों, मलिहाबाद में सैकड़ों तरह के आमों की किस्म है। एक वक्त पे यहाँ पर करीब 1300 अलग अलग किस्म के आम होते थे और आज भी 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के आमों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सफेदा, लखनऊआ, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इतने अलग अलग किस्म के मलिहाबादी आम मौजूद हैं कि सिर्फ मलिहाबादी आमों से ही पूरा का पूरा मैंगो फेस्टिवल करवाया जा सकता है।
वैसे इंटरेस्टिंगली नवाबी दौर में मैंगो पार्टीज हुआ करती थी, जहां रॉयल फैमिली के लोग मैंगो पार्टीज के दौरान आम भी खाते और आमों की नई नई वैरायटीज को नए नए नाम भी दिए जाते। मिसाल के तौर पर हमेशा मिठास से भरे रहने वाला असल मुकर्रर और सूरज की तरह दमकने वाला शम्सुल अस्मान। मशहूर शायर जोश मलिहाबादी के परदादा ने एक बार मलिहाबाद से लखनऊ के उस वक्त के नवाब नसीरुद्दीन हैदर साहब को भेजे कुछ बेशकीमती बेमिसाल आम, जिन आमों को खा के नवाब साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने इन आमों के बदले कुछ मोती मलिहाबाद भिजवा दी और तब से आम की इस किस्म का नाम पड़ गया जौहरी सफेदा, यानी कि जौहरी के मोती। कहते हैं कि यहाँ के आमों का स्वाद ही है जिन्होंने दुनिया भर को दीवाना बनाने वाले मिर्जा गालिब को भी अपना दीवाना बना लिया था। मिर्जा गालिब जब भी दिल्ली से कलकत्ता अपनी पेंशन लेने जाते तो वो हमेशा लखनऊ और मलिहाबाद होके ही जाते ताकि यहाँ के आमों का स्वाद चख सकें। तो मोहतरम, शाम-ए-अवध में आम का मेरा मतलब है कि आज का सफर बस यहीं तक। मिलते हैं बहुत जल्द एक और लखनवी खासियत के साथ शाम-ए-अवध में। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। बजाते